अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, केएसपी से रिलेटेड लास्ट प्रॉब्लम है ये हमारा। 2019 में आया है। 2019 का प्रॉब्लम है विल किडमियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट फ्रॉम 0.02 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन ऑफ किडमियम क्लोराइड, यानी किडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है एट पीएच, और इसकी सोल्यूशन की पीएच की वैल्यू गिवन है 10 is to pH = 10। KSP की वैल्यू किडमियम हाइड्रोक्साइड के लिए गिवन है 2.5 × 10⁴ मोल स्क्वायर डीएम -6। किडमियम क्लोराइड को जब, क्योंकि सोल्यूशन किडमियम क्लोराइड का गिवन है, किडमियम क्लोराइड को आयनों में तोड़ेंगे, किडमियम +2 होगा और क्लोराइड -1 होगा, दो क्लोराइड आयन के होंगे। जो किडमियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन होगी वही किडमियम आयन की होगी, यानी किडमियम आयन की कंसंट्रेशन आ गई 0.02 मोल पर डीएम क्यूब। पीएच की वैल्यू गिवन है 10। जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं कि पीएच और पीओएच का सम हमेशा 14 होता है, पीएच की जगह हमने 10 रखा, 10 इधर ला के माइनस कर देंगे, यानी पीओएच की वैल्यू आ गई 4। पीओएच आ गई है हमारे पास, तो हम ओएच आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है पीओएच -log(H)ₓ ओएच आयन कंसंट्रेशन। अब हमने इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिख दिया, इस वैल्यू को राइट साइड पर लिख दिया, माइनस इधर आ गया, पी ओ एच की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब जब लॉग को इधर लाएंगे तो एंटी लॉग में तब्दील हो गया, यानी जब हम एंटी लॉग -4 लेंगे तो ये आ जाएगा ओ एच आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁴ मोल पर डी एम क्यू। किडमियम आयन की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन आ गई पी एच की मदद से। अब हम आते हैं इस तरफ, किडमियम हाइड्रोक्साइड को जब आयन में तोड़ेंगे तो ये 2 जो है वो किडमियम का चार्ज हो गया, ओ एच आयन का तार्ज -1 होता है और इसकी तादाद है 2, यानी एक किडमियम आयन है और 2 ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन। जब हम इसका के एस पी की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो के एस पी किडमियम आयन मल्टीप्लाई बाई ओ एच आयन और ये नंबर ऑफ मोल इसके स्क्वायर में। किडमियम आयन की कंसंट्रेशन की जगह हमने 0.02 रख दिया, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन जो हमने पी एच से निकाल लिया 1 × 10⁴ यहाँ रख दिया 1 × 10⁴ इसका स्क्वायर। जब इनको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आया 2 × 10⁻¹⁰। और के एस पी की वैल्यू की मैंने 2.5 × 10⁻¹⁴, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। पहले भी समझाया 10⁻⁶ में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी माइनस में, और 10⁻⁶ में जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू होगी वो छोटा होगा। लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन के एस पी वैल्यू, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ये लास्ट 2019 का प्रॉब्लम था जो भी हमने कर लिया। इसी जैसा एक प्रॉब्लम जो है वो और भी है, बुक की एग्जांपल है, ये मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। के एस पी का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बाकी है, कॉमन आई इफेक्ट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।